दबाइए इस लाल कलर के बटन को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने डिस्कवरिंग योरसेल्फ को, और दबाइए इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्कवरिंग योरसेल्फ में। मैं भावे शास्त्री आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है BSCERT के सेशन 20 का पहला क्वेश्चन है, अपने एक शादी के लिए चेकलिस्ट तैयार किया है, अब आपको तारीख डालने के लिए अतिरिक्त कॉलम की आवश्यकता है, आप टैब विकल्प का उपयोग करके सिलेक्ट किए हुए कॉलम के पहले एक अतिरिक्त कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो शुरू करें, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक कर देना। इस तरह से ये टेक चैलेंज सॉल्व हुआ। नेक्स्ट टेक चैलेंज हमारा 192 है, एजेंडा वर्क बुक में सिलेक्ट किए हुए रो को कैसे डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ पर डिलीट शीट रोज पर क्लिक कर देना है और ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट टेक चैलेंज 193 है, अपने प्रतिशत अंक की गणना की है जिसमें अनेक दशमलव स्थान है, नंबर फॉर्मेट बॉक्स ओपन करने के लिए सिलेक्ट किए हुए रेंज में आप केवल 2 दशमलव कैसे रखेंगे। तो दशमलव रखने के लिए आपको यहाँ पे नंबर ब्लॉक के इस जो है कस्टमाइज सारे कस्टमाइजेशन को आप एक बार में कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु पे क्लिक करना है, उस तरह के बाद आपको यहाँ पर नंबर पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना। इस तरह से आप दशमलव के स्थान को रख पाएंगे। नेक्स्ट का चैलेंज हमारा है 194 जो कि पेज के ओरिएंटेशन को बदल कर लैंडस्केप करने के लिए किन चरणों का अनुसरण करते हैं। बहुत ही आसान है, पेज लेआउट, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप। नेक्स्ट का चैलेंज हमारा 195 है जो कि आप कुछ डाटा ग्राफिक्स रूप से प्रदर्शित करना चाहते हैं जिससे यह आकर्षक लगे और आसानी से समझा जा सके। आप सेलेक्ट किए हुए सेल रेंज के लिए 2D कॉलम चार्ट कैसे इंसर्ट करेंगे। तो 2D कॉलम चार्ट इंसर्ट करने के लिए सिंपली इंसर्ट की बात आती है तो इंसर्ट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2D कॉलम है, कॉलम पे क्लिक करके आपको यहाँ पे 2D है या 3D है तो 2D भी क्लिक कर देना है। इस तरह से आप 2D कॉलम को इंसर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट का चैलेंज हमारा 196 है जो कि क्या है कि आपके ब्राउजर का हिस्सा होकर जो प्रोग्राम स्वचालित रूप से शुरू होते हैं उसे डैश कहा जाता है, तो प्लगइन्स कहा जाता है। नेक्स्ट के चैलेंज 197 है कि प्लगइन क्या है, तो वापस से वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो वेबसाइट की सामग्री का पूरी तरह से अनुभव करने के लिए वेब ब्राउजर के हिस्से के रूप में कार्यक्रम अपने आप शुरू और संचालित, तो यही है। नेक्स्ट के चैलेंज 198 है कि विकास ऑनलाइन मूवी टिकट बुक कर रहा है तो 2 सीट सेलेक्ट करके चेकआउट करना है, उसे इन चरणों के लिए इन चरणों को पूरा करने में सहायता करें। तो सिंपली क्वांटिटी 2 सीट हमको यूज़ करना है तो क्वांटिटी भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 को चॉइस करेंगे। उसके बाद जहाँ भी हमको जैसे कि ये सीट हमारा भरा हुआ है कि ये सीट हम बुक नहीं कर सकते हैं, बाकी का और सीट खाली है, हम खाली बुक कर सकते हैं, तो हमें यहाँ का सीट लेना है तो आपको भी सिंपली यहीं पे क्लिक कर देना है तो ये दोनों सीट बुक हो जाएगा। बुक होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारा जो टेक चैलेंज है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट का चैलेंज 199 है, आप मैथ और लॉजिक के विभिन्न कोर्स खोजना चाहते हैं, उन्हें किन चरणों का अनुसरण करना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर डिस्कवर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है मैथ और लॉजिक जो है यहाँ पर है मैथ एंड लॉजिक, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये टेक चैलेंज हमारा सॉल्व होगा। नेक्स्ट टेक चैलेंज हमारा लास्ट टेक चैलेंज है 200 का, अनिता एक ऋण आवेदन पत्र को खोलना चाहती है, उन्हें कहाँ क्लिक करना चाहिए। तो पत्र को खोलने के लिए सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस भी नहीं होगा इसका, शायद यहाँ पर लोन एप्लीकेशन फॉर्म है तो इस पर क्लिक करेगी फिर वो खोल पाएगी। तो इस तरह से हमारा एटेक चैलेंज सॉल्व हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।